हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है आलोक टंडन और हम सीख रहे हैं फोटोशॉप। फोटोशॉप में आज हम बात करने वाले हैं एल्बम डिज़ाइनिंग के कुछ स्क्रिप्ट और एक्शंस के बारे में। हालांकि इनके बारे में हमने पहले भी एक्शन बना चुका है, लेकिन ये उनसे एडवांस एक्शन है। जो भी प्रॉब्लम्स उनमें आ रही थी, जो भी आपने कॉमेंट किया हुआ था, उन सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है और आपको उस तरह की अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे मैंने स्वैप का एक बटन रख दिया है जो कि पिछले वाले वीडियो में नहीं दिया गया था। इसके साथ ही इसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे, जैसे कि सिक्वेंसिंग की इशू, उसको हमने सॉल्व कर दिया है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया है और अब ये कैसा काम करता है। हम सबसे पहले यहाँ पे एक कोई भी PSD ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैं अभी ये वाला PSD ओपन कर ले रहा हूँ और मैं इस शीट को खाली कर लेता हूं। पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरफ चार फ्रेम हैं और इधर भी चार फ्रेम हैं। इधर एक लास्ट में वर्टिकल फोटो है, बाकी सभी के सभी हॉरिजॉन्टल फोटोज हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि इनको हम किस तरीके से फिल कर सकते हैं। पहले के स्क्रिप्ट में कुछ प्रॉब्लम होता था, जैसे ये वाला फोटो कभी यहाँ लग जाता था या फिर ये वाला फोटो यहाँ लग जाता था। हालांकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को हमने ध्यान में रखा था, लेकिन सीक्वेंस को ध्यान में हमने नहीं रखा था। इस वजह से जो ये वाला वीडियो है, इसमें हम सीक्वेंसिंग का पूरा ध्यान रखें और बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट बनाकर आपको दे रहा हूँ, ताकि आपको सीक्वेंस की बिल्कुल भी इश्यू ना हो। सबसे पहले इसमें फ़ोटो फिल करने के लिए आपको ये वाला ओपन करना होगा, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसको आप डाउनलोड करके और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस तरह का आपको फोल्डर मिल जाएगा, और जिसमें दो फोल्डर होंगे। पहला होगा CS3 के लिए और दूसरा होगा CC के लिए। CC के किसी भी वर्जन में ये काम करेगा और ये CS3 में भी काम करेगा। उससे पुराने वर्जन को यूज़ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए हमें उनको छोड़ ही देना चाहिए। अभी जो नए वर्जन्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए। हालाँकि हमें CC के जो 2020 है, 21 है, 23, 24, इनको यूज करिए और आप एडवांस काम करिए। लेकिन फिर भी जो लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं CS3 को, उनके लिए मैंने ये एक्शन बना दिया हुआ है और स्क्रिप्ट इसमें रखा हुआ है। सबसे पहले हम CC की बात करेंगे, तो CC के अंदर जाता हूँ मैं। यहाँ पे आपको ये वाले फोल्डर को रिप्लेस करना होगा। सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, आपको अपने फोटोशॉप के अंदर जाना होगा, जो भी फोटोशॉप आप यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे CC 2021 यूज कर रहे हैं अभी, तो इसके ऊपर हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में और इसमें जाके ओपन फाइल लोकेशन पर जाकर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से पेस्ट कर देना है और रिप्लेस कर देना है। मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको दूसरा काम ये करना होगा कि इसी फोल्डर के अंदर जा कर के, फोल्डर को मैं दोबारा ओपन करता हूँ, इस फोल्डर के अंदर से ये वाला जो एक्शन है, इसको आपको ड्रैग करके इस तरीके से ला के यहाँ पर रखना है। ये एक्शन पैनल अगर आपके पास नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पर विंडो में जाके एक्शन को ला सकते हैं और इस तरीके से यहाँ रखने के बाद आपके पास आ जाएगा इस तरह से। जैसे कि मेरे पास अभी यहाँ रखा हुआ है, मेरे पास और भी बहुत सारे एक्शंस हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। इसमें नीचे आपके पास आ जाएगा ऑटोमेटिक एल्बम। इसके नीचे आप देखेंगे तो आपके पास दो एक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे इस तरह का। तो इनको आप बटन मोड में भी चाहें तो यूज कर सकते हैं, जिससे आपके पास नीचे स्वैप का बटन आएगा येलो कलर में, और उसको आप यूज कर सकते हैं। इसका यूज हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप देखते हैं कि दोनों काम आपको करना है। पहला, आपको इस स्क्रिप्ट को, ये वाले जो प्रेसेट फोल्डर है, इसको आपको लेकर सी ड्राइव में रिप्लेस करना है, यानी इसके अंदर, यानी कि फोटोशॉप के फोल्डर के अंदर। और दूसरा चीज़, आपको एक्शन को अपलोड करना है। इसके बाद ये दोनों जो ड्रॉपलेट मैंने दिए हुए हैं, इनमें से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं या दोनों यूज कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। मैं दोनों को यहाँ पर ला कर रख लेता हूँ इस तरह से, और अब देखिए हम इसका यूज करके देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है और पहले से कितना डिफरेंट है, ये भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम ये फोल्डर को, यहाँ पे हम लेफ्ट साइड के चार फोटोज को, यहाँ पे हम लेफ्ट साइड के चार फ्रेम को सेलेक्ट करते हैं। चारों फ्रेम को सेलेक्ट करने के बाद चार हॉरिजॉन्टल फोटो में सेलेक्ट करता हूँ इस तरह से, और इसमें लाकर छोड़ देता हूं। अभी आप देखिए, हमारा सीरियल यहां से चालू हुआ है और इधर फोटोज लगना स्टार्ट हो गए हैं।
ये देखिए यहाँ हमारा फोटो लग चुका है। अगर हम इनको ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो स्वैप की हेल्प से कर सकते हैं। इस तरीके से दोनों फोटोज को सेलेक्ट करके और स्वैप बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा ऐसे। इसके साथ ही हम एक और दूसरा PSD ओपन कर लेते हैं। इसमें हम जैसे चार फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, चार फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद ये चार फोटो सेलेक्ट कर लिए, इसको HVS में डालते हैं। HVS में डालने की सबसे अच्छी बात ये होगी कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आपके फ़ोटोज़ को फिल करेगा, इससे आप फोटोज़ को छोटा बड़ा करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिक्वेंस में फ़ोटोज़ को लगाता है, पहले ये फ्रेम को फिल करेगा, फिर ये, फिर इधर, फिर इधर। इसी तरीके से अगर इसका भी आप यूज करते हैं तो ये भी सिक्वेंस में ही फिल करेगा, लेकिन इसमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा और इसमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट में काम करेगा। यानी ये रास्टर रियल में काम करता है और ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में काम करता है। तो इस तरह से हमने चारों फोटोज़ को फिल कर लिया है। अब देखिए हमारी सिक्वेंस की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हो रही है। देखिए मैं एक बार फिर दिखाता हूँ आपको, यहाँ से ये फ्रेम पहले है तो ये फ़ोटो यहाँ जाएगा, फिर ये वाला फ़ोटो यहाँ जाएगा, ये फ़ोटो यहाँ जाएगा और ये वाला फ़ोटो यहाँ जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम देखते हैं कि चार फ्रेम मैंने सेलेक्ट किए, चार फ़ोटोज़ को सेलेक्ट किए। इसको मैं पहले वाले में लाकर छोड़ता हूँ और पहले ये वाला फ़ोटो ओपन हुआ है, अंदर चला गया, इसमें फिल हो गया, ये वाला फ़ोटो इसमें फिल हो जाएगा, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ फिल हो जाएगा। इस तरह से फिल हो गया। अगर हम इन फ्रेम की जगह को चेंज कर देते हैं, जैसे कि इन दोनों को मैं इधर ले आता हूँ और इन दोनों को मैं इधर कर देता हूँ, ये देखिए अब जो हमारे पहले नंबर था वो यहाँ पे आ चुका है। अब चारों फ्रेम को हम अगर सेलेक्ट करते हैं और एक बार फिर से मैं इनको बाहर लेकर आता हूँ और इन चारों फ्रेम को सेलेक्ट करने के बाद ये चारों फोटो सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से छोड़ेंगे और ये पहला फ़ोटो यहीं फिल होगा। फ्रेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रेम आपका ऊपर हो, नीचे हो, कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी पहली फ़ोटो यहाँ लगेगी और इसी तरीके से सिक्वेंस वाइज आपकी सारी की सारी फ़ोटोज़ फिल होंगी। इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का भी ध्यान रखा गया है। अगर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ़ोटो एक साथ सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे चार फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ, ये पाँच छः, अब इसमें एक हमारे पास वर्टिकल फ़ोटो है, अगर मैं उसको भी सेलेक्ट करता हूँ, ये फ़ोटो हमारा हालांकि यहाँ होना चाहिए, तो ये फ्रेम को हमें इधर करना होगा। ये देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से रोटेट कर देते हैं तो हमारा इधर आ गया ये फ्रेम। ब्लैक लाइन को हम ख़त्म कर देते हैं, डिस्टर्ब कर रहा काफ़ी है हमें। तो इस तरह से हम इसको इधर ले आए हैं और इन फ्रेम को इधर ले आए हैं। देखिए इस तरह से हमने इसको बना लिया है। पहला फ़ोटो करना है इसलिए मैं इसको ऐसा रोटेट कर देता हूँ, इससे हॉरिजॉन्टल फ़ोटो नीचे आ जाए और वर्टिकल फ़ोटो ऊपर की तरफ लगे। अब इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद चार फ्रेम सेलेक्ट कर लिए हैं, पाँच और छः में कर लेता हूँ इस बार, एक दो तीन चार पाँच और ये छः। इस तरह सेलेक्ट करने के बाद मैं ड्रॉपलेट में डालता हूँ और छः के छः फ़ोटोज़ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के ध्यान में रखते हुए और नंबरिंग को ध्यान में रखते हुए सभी फ़ोटोज़ को फ्रेम्स में फिल कर देगा। सेम इसी तरह से ये CS3 में भी काम करने वाला है। अगर आप चाहते हैं CS3 को भी दिखा दूँ तो वही मैं आपको दिखा देने वाला हूँ अभी। CS3 में भी ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है और इसी तरीके से काम कर रहा है, जैसा कि ये नंबरिंग से फ़ोटोज़ लग रहे हैं सभी के सभी, उसी तरह से CS3 में भी काम करेगा, ये सभी फ़ोटोज़ अपने नंबर वाइज लगेंगे। ये देखिए तो इस तरह से आप अपने फ़ोटोज़ को फिल कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से और सीक्वेंस से अब सारी की सारी फ़ोटोज़ फिल होंगी। अगर आपको बाय द वे कोई फ़ोटो पसंद नहीं आता है कि यहाँ की जगह आपको यहाँ चाहिए, तो इसके लिए आप स्वैप बटन का यूज कर सकते हैं और स्वैप की हेल्प से ये स्वैप बटन पे क्लिक करेंगे और आपके दो फ़ोटोज़ सेलेक्ट करना होगा, दोनों फ़ोटोज़ आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये फ़ोटो यहाँ आ जाएगा, ये फ़ोटो यहाँ आ जाएगा और फ्रेम के हिसाब से फ़ोटो रिसाइज हो जाएगा और फ्रेम में फिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप हमारे एक्शन और स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं और अपने एल्बम को फास्ट तरीके से बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि यही काम आप CC में करने की बजाय CS3 में कैसे कर सकते हैं। अब हम फोटोशॉप CS3 ओपन कर लेते हैं और सेम काम आपको इसमें भी करना होगा। CS3 की प्रॉपर्टी में जाकर और ओपन फाइल लोकेशन में जाकर और उसकी प्रॉपर्टीज में ओपन फाइल लोकेशन में जाएंगे
और ये वाला जो प्रीसेट्स का फोल्डर है उसको वहाँ पे जाके और रिप्लेस कर देंगे, पेस्ट करके और रिप्लेस कर देंगे। अगर है पहले वाला आपके पास है तो उसके साथ आपको रिप्लेस करना होगा। इसको आप उठाकर यहाँ ले आएंगे इस जगह पर। आप चाहें तो डबल क्लिक करके भी ला सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ से भी आप लोड करके ला सकते हैं। तीनों तरीके से आ जाएगा आपके पास ये से। और यहाँ पे आने के बाद आप अब क्या करेंगे, और इस तरीके से लाने के बाद आपके पास ये दो ड्रॉपलेट इसका भी मिल जाता है जो CS3 का ड्रॉपलेट है। इसको हम यहाँ पे ला के रख लेंगे। ये पहले वाले को हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, इनको आप रिनेम भी कर सकते हैं अगर कभी आपको प्रॉब्लम होता है और ये ऊपर नीचे आपके फ़ोटोज़ हो जाते हैं। ये आपके पास नीचे आ रहा है, जैसे कि मेरे पास भी आ रहा नीचे, और क्योंकि इस फ़ोटोज़ की सिक्वेंसिंग के हिसाब से है तो आप इनको रिनेम भी कर सकते हैं। इसके नीचे हम इस तरीके से साइन लगा देंगे यहाँ पे, और ये लगा देने के बाद हमारे पास पहले नंबर पर आ जाएगा ये। तो इस तरह से आप चाहें तो लगा सकते हैं, इससे आपको ऊपर नीचे करने में, रिनेम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे मैं दोनों को डिलीट कर देता हूँ और इस वाले पे हम काम करते हैं। अब वो इसको मिनिमाइज़ करते हैं और चलते हैं फोटोशॉप पर। और इस बार हम ये वाले टेम्पलेट को सेलेक्ट करते हैं, और इस वाले टेम्पलेट में इस तरह से चार फ्रेम को मैंने सेलेक्ट किया है। देखिए, ओरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरह के फ्रेम हैं, और इनकी नंबरिंग भी कुछ खास नहीं है। देखिए, ऊपर नीचे कुछ भी हैं। ये वाला फ्रेम आप देख सकते हैं कि इस जगह पर है, जबकि ये वाला फ्रेम ऊपर है। पहले नंबर पर इसमें फ़ोटो लगना चाहिए। इस तरीके से इसमें भी सिक्वेंस का ध्यान रखा गया है, और सिक्वेंस में सारे फ़ोटोज़ फिल होने वाले हैं। यहाँ पर आप इस तरीके से ड्रैग करके और इसमें लाकर छोड़ेंगे। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि अगर आपका वर्टिकल फ़ोटो चौथे नंबर पर है, जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास चौथे नंबर पर था, तो हमें इसको अगर स्टार्टिंग में लगाना है तो हमें फ्रेम को पूरा इधर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये यहीं पर लगाएगा। ऐसी कंडीशन में जब वर्टिकल फ़ोटो दो होंगे तो पहले इसमें करेगा, फिर इस वर्टिकल फ़ोटो में करेगा। अगर हॉरिजॉन्टल फ़ोटो एक से ज़्यादा है तो पहले स्टार्टिंग में करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से ये काम करता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर आप चाहते हैं कि वर्टिकल फ़ोटो यहाँ की जगह यहाँ लगे, या पहले नंबर पर आपकी वर्टिकल फ़ोटो है तो आपको फ्रेम को इधर लेके आना होगा। तो ये आपको PSD में थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। बाकी नंबरिंग इसमें प्रॉपर आएगी, पहले नंबर पे इधर से फ़ोटो फिल होना चालू होगा, और इस तरह से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से फ़ोटोज़ फिल होती रहेंगी। तो इसको आप यूज करके देख सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से हमने बना दिया है इसको। इसको आप यूज़ करिए, और इसमें भी जो एक प्रॉब्लम आ रहा था उसको हमने सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे कोई जावास्क्रिप्ट मिसिंग बता रहा था, जिस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया है, तो आप उसको भी यूज़ करके देख सकते हैं। और यहाँ पे स्वैप का जो बटन है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये दोनों फ़ोटोज़ हैं, और स्वैप पर हम क्लिक करेंगे, और ये देखिए आपस में दोनों स्वैप हो जाते हैं। फ़ोटो लेफ़्ट फ़ोटो राइट में आ गई, राइट वाली फ़ोटो इधर आ गई। अगर मैं इन दोनों फ़ोटोज़ को इंटरचेंज करता हूँ, स्वैप पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए आपस में दोनों चेंज हो जाते हैं और प्रॉपर काम कर रहा है। तो इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं, और यूज करके देखिए, बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट और एक्शन है। अगर आप इनमें कुछ करेक्शन चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर बता सकते हैं हमें, आकर हमसे चैट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप टेलीग्राम पर आकर हमें बता सकते हैं। तो इसको आप यूज़ करिए। यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, आपको पासवर्ड तो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वीडियोज़ का रीच नहीं आ पाता प्रॉपर तरीके से। आप लोग थोड़ा सा वीडियो देख करके और छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें वीडियो में पासवर्ड लगाना पड़ रहा है, और हम वीडियो में पासवर्ड इसलिए लगा रहे हैं ताकि आप पूरे वीडियो को प्रॉपर तरीके से चलाएं, ताकि आप वीडियो को स्किप करके आगे ना बढ़ें और ना देख पाएं। इससे क्या होगा कि आप वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख भी पाएंगे और आपको क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे वीडियो का रीच भी ठीक ठाक आएगा, इसकी वजह से हमें वीडियो बनाने में इंटरेस्ट आएगा। तो आप वीडियो को अगर नहीं देखते हैं तो आप कम से कम पूरा प्ले करके रख दीजिए, और आप पूरा प्ले करके रखने के बाद आप चाहें तो हमसे टेलीग्राम पे भी पासवर्ड ले सकते हैं, वहाँ पे भी आप क्या आके पासवर्ड ले सकते हैं। लेकिन आप इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए कि पूरा वीडियो प्ले होना चाहिए, ताकि हमें भी इस वीडियो से थोड़ा सा तो प्रॉफिट बने यार। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखिए, और हम भी आपके प्रॉब्लम्स को इसी तरीके सॉल्व करते रहेंगे, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे। और फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी फ्री में नहीं देता है। लोग तो अपनी चीज़ें दिखाना भी नहीं चाहते हैं,
और हम अगर आपको दिखा रहे हैं और दे रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को, और नहीं तो कम से कम प्ले करके छोड़ दीजिए, ताकि पूरा वीडियो प्ले होना चाहिए। तो वीडियो को अगर आपने लाइक किया है और चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।